कर्नाटक आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। कई डीके का सीएम बनाने वाला दावा तो कभी किसी कांग्रेस के अन्य मंत्री का सीएम पद के लिए डीके का समर्थन करना। इन सब घटनाक्रम के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाई कोर्ट से झटका लगा। मुडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल मुडा मामले में राज्यपाल थारूचंद गहलोत ने सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। राज्यपाल के इस फैसले को सीएम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कर्नाटक हाईकोर्ट की नागप्रसन्ना पीठ ने सीएम सिद्धरमैया की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि सिद्धरमैया के पास इस्तीफा देने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। राज्यपाल ने प्रदीप कुमार, एसपी टीजे इब्राहिम और स्नेमयी कृष्ण की याचिकाओं में उल्लेखित कथित अपराधों को लिए 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धरमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। राज्यपाल के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे समझे जारी किया गया और यदि वैधानिक नियमों का उल्लंघन है। आरोप है कि सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर में एक पॉश इलाके में जमीन आवंटित की गई। संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में बहुत अधिक था, जिसे मुडा द्वारा अधिग्रहित किया गया। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50-50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मुडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। अगस्त में कर्नाटक के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के खिलाफ राजभवन चलो विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्यपाल पर भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि राज्यपाल के समक्ष कई अन्य मामले भी लंबित हैं, लेकिन उन्हें उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी बीच राज्यपाल गहलोत ने पिछले हफ्ते राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखा और जल्द से जल्द दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सीएम सिद्धरमैया सीएम पद से इस्तीफा देंगे? अगर देते हैं तो अगला कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा? ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।